मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ अयोध्या में, आज मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जो अयोध्या का न्यू बस स्टैंड बनना है, तो मैं आज आपको वो दिखाता हूँ। फिलहाल बन के कम्प्लीट हो गया, लेकिन मुझे लगता है अभी पूरी तरीके से ओपनिंग इसकी हुई नहीं है, क्योंकि बसें नहीं खड़ी हैं, लेकिन इतना स्पेस है भाई कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और ये वहाँ वाला जो पार्ट है भाई, ये वाला, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये बनाया गया ऑफिस है बस का। और ये जो बड़ी बिल्डिंग है, ये सब, ये पूरी बस की ही बिल्डिंग है। और फिलहाल इतनी एरिया अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। और यहाँ PSU वाले को ला के रख दिया गया, वहाँ अंदर से जो नई बिल्डिंग बन रही है तो फिलहाल वो तोड़ा जा रहा है, तो तब तक यहाँ इन लोगों को रखा जाएगा। और ये बस का पूरा एरिया है, ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे। तो मैं जा रहा था सुबह ही, तो मैं सोचा चल के यहाँ, थोड़ा अभी मैं आया नहीं था, फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं सोचा चले के अंदर देखते हैं क्या है। तो फिलहाल गवर्नमेंटेड गाड़ियाँ भी खड़ी हैं इधर, अभी काम चल रहा है, गवर्नमेंटेड गाड़ी भी है, स्पेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल ये जब बन के स्टार्ट हो जाएगा तब कितना अच्छा बनेगा ये आप खुद ही देख सकते हैं, कि इतना स्पेस और इतनी जगह है। तो ये फिलहाल ऑल इंडिया यहाँ बसें मिलेंगी, आप इंडिया में कहीं भी जाएं आपको सारी बसें, VIP भी बसें और सरकारी बसें, प्राइवेट तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट के लिए भी रखी गई हैं, लेकिन गवर्नमेंटेड बसें हैं तो यहाँ आपको मिलेंगी पूरा एकदम बहुत अच्छे से। फिलहाल अभी काम चल ही रहा है, अच्छा लग रहा है, तो तब मैं आपको और भी दिखाऊँगा। और अभी चलते हुए देखते हैं, क्यों रास्ते पे खड़ी थी तो फिलहाल ये एक ट्रक लड़ी हुई है, तो इस समय जो गाड़ियाँ लड़ी होती हैं वो भी आके यहीं खड़ी होती हैं, क्योंकि काम चल ही रहा है। तो अभी जगह खाली है, तब तक रखा जाएगा। और जो ये लाइटें लगी, इस पर सायरन वगैरह लगा है, ये आप ऊपर देख सकते, सायरन भी लगा है। और मौसम भी कितना मस्त हो रखा है, बादल भी आप देख सकते हैं कितना मस्त मौसम हो रखा है आज का। मौसम आजकल डेली कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, बादल में ज़बरदस्त मौसम बन के रखता है। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ अभी फैजाबाद ट्रांसपोर्ट, काम है वहाँ आज थोड़ा सा, तो अभी मैं चल रहा था तो थोड़ा यहाँ रुका हूँ, बस निकलता हूँ यहाँ से। तो मैं दूर से देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि बस स्टैंड का ही ये पार्ट है जो बिल्डिंग मैंने दिखाई है वीडियो में, तो मैं सोचा कि चल के पास में देख लेते हैं क्या बस स्टैंड के अंदर ही ऐसा डेकोरेट कर रहे हैं। तो फिलहाल ये मंच है भाई, ये नित्य रामलीला मंच है, तो ये डेकोरेशन कितनी अच्छा तरीके से एकदम पूरा चित्रण किया गया है, बहुत बढ़िया ये। और यार कांच में मेरी फ़ोटो भी दिख रही है दूर से, ये देखो कांच में फ़ोटो भी दिख रही है। लेकिन ये मंच जो बनाया गया है, ज़बरदस्त मंच बनाया गया, जय हो बजरंगबली, राम राम करके नाम पूरा। वैसे भाई आना चाहिए था, फिलहाल मैं बाहर से ही निकल जाता था हाईवे हाईवे होके, तो अंदर आप आएंगे फिर आप देखेंगे। ये चलते हैं नीचे उतर के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। फिलहाल जब प्लीट हो जाएगा तब ज़बरदस्त लगेगा, ये आप देख सकते हैं। इतना अच्छा डेकोरेट किया गया, फिलहाल इधर जगह भी बहुत है यार, अभी तो बहुत जगह है, अगर काम हो तो काम काफ़ी दिनों तक होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग है, वो बस अड्डे की ही पूरी बिल्डिंग है, कंप्लीट हो रही है। फिलहाल मुझे तो ये मस्त लगा, रामलीला जो चित्रगढ़ के बनवा रहे हैं कि यहाँ रामलीला होगी, तो ये ज़बरदस्त। Thank you.
तो फिलहाल घर पे पहुंच गया हूँ अयोध्या से वापस। और आज मेरा व्रत था इसलिए रास्ते में कुछ खाया नहीं हूँ भाई, केवल पानी पिया हूँ। तो घर पहुंचते ही लस्सी बनी थी तो वही पीना है, तो फिलहाल वही पियेंगे। ये मस्त लस्सी बनी है, वही पियेंगे भाई। तो फिलहाल मैं हूँ अभी विवेक भाई के बर्थडे में, आज सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करना था न्यू पराग के सामने ही। तो ये सब भाई भीड़ देखो, विवेक भाई के बर्थडे, फैजाबाद वहाँ से सारे लड़के बुलाए। ये वैसे फिलहाल मुझे तो कुछ खाना है नहीं क्योंकि मेरा व्रत है, तब भी सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। 8th का मित्र है मेरा, 8th से लेके 12th तक का, अभी तक का। तो फिर आज देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। Homie, day and night, got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर और रात के बज रहे हैं 7:30। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।